हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 8:30 हो रहे और आज सुबह से ही मूड ख़राब है। मैं वो चीज़ आपको दिखा नहीं सकता बट बताऊंगा। उससे पहले मेरे को जाना है एक चीज़ लेने, वो चीज़ लेके आते हैं फिर आपसे बातचीत करते हैं। पहले मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ, ठीक है। गए हैं एक्वेरियम लेने के लिए और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ओहो, अपने घर में इतना बड़ा ही लगवाऊँगा। अरे ये तोड़ देगी भाई शीशा। तो हमने ये भी रखे हैं, तो हमने एक ये छोटा वाला लिया है अभी। तो इतना कुछ मिला है भैया, और ये जाली भी मिली है मछली पकड़ने के लिए, आपको घर पे जाके पकड़े जाएंगे। और ये है ये बाहर रहेगा। हाँ ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा। अब बस इसमें से वो हाँ, ठीक। और इतना सारा सामान मिला हुआ है, अब मछलियाँ ले लेते हैं अपने पसंद की। ये लाइट बता देना एक बार, सबसे लड़ती है। और मछलियाँ देखते हैं अंदर भैया, दिखा रहे हैं, चले जाएंगे। ओहो, ये वैसा डिजाइन के लिए ये वाली मछलियाँ कह रहे हो? ये 250 रुपये लेकिन सब बड़े मेरे हैं। कछुआ कितने का? ये 1800 रुपये का है, रेड ईयर स्लाइडर का। पानी नहीं रहेगा ये? हाँ, ये अपने यहाँ लीगल है। लीगल है हाँ। तो फाइनली गाइज, एक ये मछली सिर्फ अकेले रहती है, इसलिए हमने इसको डाल दिया है पॉट में। ये अकेली रहेगी, बाकी रहने वाली हैं इसके अंदर। तो चलो इसका सेटअप करते हैं। तो गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं कि एक्वेरियम को कैसे सेट करें। सबसे पहले ये है पंप खोला जाएगा, ये है पत्थर और ये है ब्रिज। कभी देखा है बहन, इतना महंगा एक्वेरियम? और बहुत महंगा है ये, 150 रुपये मछली का खाना। ये खाना तुमने खाया है मछली का? खाना कब तक चलेगा? उसने 20 ग्राम दाना दिया था ना, कितने का? 150 रुपये का। ये 90 रुपये का है। कितने का है? कितने दिन चलेगा? दवाइयाँ हैं, जब हम पानी चेंज करते हैं तब 10-10 बूंदे डाल देंगे। तीनों में उस वाली में भी उसमें नहीं। तो अब करते हैं, पहले इसमें भरते हैं पानी। तो फाइनली गाइस, वाली ले आए हैं हम एक्वेरियम। स्वाति को ये पसंद है, अब अच्छा लग रहा है सच में। और एक ये मछली लेके आए क्योंकि ये मछली अकेले रहना पसंद करती है, तो हमने इस बाउल में इसको डाल दिया। बाकी सारी मछलियाँ, इसमें कम से कम 40 मछलियाँ हैं, मैं 40 मछलियाँ लेके आया हूँ। आपको बड़ी बड़ी दिख रही है, छोटी नहीं दिख रही हूँ। इसमें लाइट अभी लाइट नहीं जल रही है, अभी लाइट भी जलाएंगे इसका, वो लेके आएंगे अडाप्टर, क्योंकि एक बारी में एक ही जल रही है। आज एकदम से मूड खराब हो गया। आज हम जब सो के उठे तो 4 मछलियाँ लेके आए थे, एक मछलियाँ तो 2 दिन पहले ही उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन लाए थे। बाकी बची 3 मछलियाँ, आज सुबह सुबह सो के उठे, तीनों मछलियाँ एक साथ मर गई। तो भाई इतना दुख हुआ मेरे को, मैंने कहा अरे यार ऐसे बाउल में तो रह ही नहीं पाएंगी। स्वाति ने बोला कुछ भी हो एक्वेरियम अभी छोटा लेके आओ, जब अपने घर में बड़ा लगाओगे तब देखा जाएगा। अब पता नहीं ये मछलियाँ क्यों मर रही हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना। 3 एक साथ मैंने पहली बार देखा है और मैं घबरा गया था, मैं तुरंत गया एक्वेरियम खरीद के लेके आया। और बाउल में एक मछली इसलिए डाल दी क्योंकि वो मजबूत वाली मछली है, वो अकेले रहना पसंद करती है और वो बाउल में रह लेती है, तो इसलिए उसको डाल दिया। बाकी सबको मैंने एक्वेरियम में डाल दिया। इसमें पंप भी है, घास फूस भी है, ब्रिज भी है और पत्थर भी है रंग बिरंगे, और कई सारी मछलियाँ बहने भी हैं। तो हम लोग नहा धो के तैयार हो गए, हमारे ध्रुव ने भी नहा लिया है। तो अब चल रहे हैं रील बनाने के लिए। स्वाति कह रही अपने घर पे बनाऊंगी मैं आज, वहाँ थोड़ा सा लोकेशन ले लेते हैं, लोकेशन चेंज करनी थी। अब तो 2 घर हैं अपने पास। ध्रुव पता है क्या कह रहे हैं? क्या मम्मी पापा मेरे को धूप में लेके जा रहे हो, खुद तो काले हो मुझे भी काला कर दोगे। बेटा धूप में निकलना पड़ता है मेहनत करने के लिए,
अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा बेटा, समझ रहे? तुम्हारे डायपर कहाँ से लाएंगे बेटा, समझ रहे? अच्छा लग रहा है? हाँ मछली आए, हटो साथी। हेलो कैसी है? कैसी है? क्या हाथ में मार दे पता लगे पारी हो जाए। अब हाँ मारो नहीं एक दूसरे को, नहीं 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 आओ तो ऑफिस में चलते हैं, भट्टा पता कर रहे हैं, ईट लेने आए हैं। स्वाति अच्छी वाली ईट टावा में आर आर की होती है, अभी तक जो लगा रहा था वो मिस्त्री वो नकली लगा रहा था। हाँ। लेकिन अब हम असली वाली लेने आए हैं, कोई मानिकपुर मोहन का प्रयोग करें आर आर की, ये एक नंबर है। तुम चेक करो, मैं तुम्हें लेके आया हूँ किस लिए, तुम्हें एक्सपीरियंस ये था, चेक कर ना भैया। हाँ तुम बजा के देखो, तुमने मेरे को बताया था ये बजा के। हाँ है अच्छी है, शादी तुम बजा के देखो एक बार, आवाज आएंगी। नहीं ऐसा नहीं है, तभी तो तीनों की आवाज, ईट नहीं उठ रही तुम बेटा, तुम हट जाओ। वो किनारे टूट सकते हैं, अब ये फेंक के देखो ऐसे, ये फेंक के दिखाएंगे, किनारे टूट गए तो ठीक, अगर बीच में टूटी तो खराब। नहीं ऐसा नहीं है, फिर तोड़ते ही है। अच्छा तुम अपनी फेंक के दिखाओ, अपना जैसे फेंकते हो इधर फेंक के दिखाओ, आटो ये फेंकी नहीं टूटी, ये अच्छी ईट है। अब नंबर दो वाली दिखा दो भैया, अब घर बनना स्टार्ट हुआ है, एक घर में कितनी ईंट लग जाती है मुझे बता। मैंने अरे यार तुम खिलाड़ी आदमी यार, तुम बता नहीं पा रहे, अभी नए हो, कोई बात नहीं सीख जाओगे। नींव भर गई है, जो हमने पहले ठेका दिया था 30x50 तीन कमरे हैं, ये दूसरा नंबर है बीच में, बीच में। अरे ये रही बीच वाली, ये भी एक नंबर है, नहीं तीन नंबर, तीन नंबर ही है, ये तीन नंबर है, ये 5000 वाले, ये है 5000 जी, ये वाली बजा के देखो, ये तो सफेद अलग आवाज है, आवाज तो अलग है, वो टनती है टप। अब ये 5000 वाली देखो, तुम्हें अलग नहीं लगी होगी ना, कलर अलग दिखा रहा, सफेद सफेद जो होती है, ये कैसे नमक डाला होता है, नमक अच्छा। नहीं डाला होता है, सफेद जो ऊपर पैटर्न होता है वो होती है ऊपर पैटर्न बड़ा। देखो शादी तुम बजा के देखो ये वाली, ये 5000 की है, वो 8000 की है, और जो चेक करके आए थे वो 8800 की है। अरे बहुत तो 8800 की कितनी 1000 होती है, 1000 ईट 8800 की, मतलब एक ईट आएगी तुम्हारी 8.80 रुपए की, एक दिन गोलगप्पे नहीं खाओ ना छोड़ दो। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है और आज हम ईट का ऑर्डर दे के आ गए थे। आप लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे हो कि आपका मकान कितना बन गया, आप वीडियो बनाइए, तो कल जो वीडियो आएगी वो मकान के ऊपर आएगी और सब सच्चाई बताऊंगा, सब सच्चाई बताएंगे क्या कैसी क्या दिक्कत आई है। बस आज आज हम खुद ईट ऑर्डर करके आ गए, कल से काम शुरू होगा फिर से, और कल मैं बताऊंगा आपको दिखाऊंगा कितना बना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे बहुत बड़ी गलती कर रहे तुमने थप्पड़ मार के, मैं जा रही हूँ अपने मायके, आज ही मेरी सैलरी आई है, दो साड़ी लूंगी।